लोकसभा चुनाव 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दल बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस तैयारियों में जुट गई हैं। दोनों ही राष्ट्र पार्टियों में युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित चुनाव समितियों का गठन कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड को भी इन समितियों में तवज्जो दी गई। उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य एवं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को मीडिया समिति और साहित्य निर्माण समिति में शामिल किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बनने वाली सामाजिक स्वयंसेवी संगठन संपर्क समिति में शामिल किया गया। इसके जरिए बीजेपी नेतृत्व ने यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि उत्तराखंड उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें सभी पर पिछली बार बीजेपी ने परचम लहराया था। इस बार भी इन सीटों को अपने पास बरकरार रखने के लिए पार्टी कोशिशों में जुटी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व भी इस लिहाज से राज्य पर खूब फोकस किए हुए है। उत्तराखंड राज्य से अपनी राष्ट्रीय चुनाव के लिए समितियां बनी हैं। उन चुनाव समिति में राज्य से अपने राज्य के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक जी और अपने राज्य के ही वीरेंद्र जुयाल जी और राज्य के ही अपने अनिल बलूनी जी, जो राष्ट्रीय हमारे चुनाव अपने चुनाव की समितियां हैं उनके सदस्य बनाए गए हैं। तो राज्यवासियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफ़ी हर्ष है कि देश की महत्वपूर्ण 17 समितियों में से मुख्य समितियों में अपने राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्थान मिला है। उसके लिए सभी को बधाई है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।